चमोली में 400 उत्तरीय मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का धरना जारी है। वहीं शिक्षक अपनी 400 उत्तरीय मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में क्रमिक अनशन पर हैं। वहीं शिक्षक लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य से दूर रखने पर जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं शिक्षकों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे जनपदों में पदोन्नति हो चुकी है लेकिन चमोली जिले में अभी तक नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों के मनमानी के चलते शिक्षक मजबूरन अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जो हमारा एक क्रमिक अनशन सर यहाँ पे चल रहा है, ये ब्लॉक वाइज चल रहा है और आज कल दसूली का था, आज दूसरी मार्ग विकासखंड है और हमारी 400 उत्तरीय मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन है सर। इसमें मुख्य मांग हमारी जो है, पहली मांग जो हमारी है, जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति होनी है और सहायक अध्यापक जूनियर के पदों पर जो पदोन्नति होनी है उसके संबंध में। और आप पत्रकार लोग हैं, आप देख ही रहे होंगे कि अन्य जिलों में पदोन्नतियां हो गई हैं और हमारा चमोली जिला पदोन्नति से वंचित है। हम यहाँ पे आज जोशीमठ ब्लॉक से आए हैं कर्मिक अनशन के, तो हमारी तो 4 मांगे हैं मुख्य रूप से, लेकिन उन मांगों के अलावा भी हमसे बाहरी काम भी बहुत कराया जाता है, जैसे BLO का है, और जबकि हमारे क्षेत्र न होने से भी उस क्षेत्र में हमको जाना पड़ता है, दूसरे क्षेत्र में।